गाइज नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रौतेला फैमिली ब्लॉग्स में। तो अभी बज गए हैं रात के 9 और हम पहुंच गए हैं जर्मनी के एक फेमस लैंडमार्क के पास जो कि है ब्रांडनबर्ग गेट। तो आप मेरे पीछे जो ये देख रहे हो ये है ब्रांडनबर्ग गेट जो कि जर्मनी के मोस्ट पॉपुलर अट्रैक्शंस में से एक है। तो जानेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में और करेंगे आज ब्रांडनबर्ग गेट को एक्सप्लोर। तो चलिए लेट्स एक्सप्लोर इट टुगेदर। देश विदेश से जो लोग भी यहाँ पे घूमने आते हैं यहाँ पर आना नहीं भूलते हैं। तो अब हम भी जब उत्तराखंड से जर्मनी आ गए हैं तो यहाँ ना आए ऐसा कैसे हो सकता है। इस गेट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1788 में और 1791 में ये पूरा कंप्लीट हो गया था। अभी हम इसके बैक साइड में खड़े हैं, फ्रंट साइड से भी आपको इसे दिखाएंगे। गेट में हमने जो बैक साइड में अभी तक दिखा रही थी उससे अंदर एंटर कर लिया है और ये इसका इंटीरियर है इस गेट का। तो ये है ब्रांडनबर्ग गेट फ्रंट से। इसमें 5 पैसेज वेज हैं यानी 5 रास्ते हैं जहाँ से एंट्री और एग्जिट हो रहा है और 12 कॉलम्स जो है इसमें टोटल है। यहाँ किसी भी टाइम आप आ जाओ, दिन में आओ या रात के टाइम आओ, आपको यहाँ पर स्ट्रीट आर्टिस्ट जरूर नजर आएंगे। यहाँ पे आर्टिस्ट जो आकर के लाइव परफॉर्मेंस देते रहते हैं और अभी भी हमारे ठीक पीछे एक लाइव परफॉर्मेंस चल रही है और सब लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो आपको भी दिखाते हैं वो लाइव परफॉर्मेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया 1791 में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ और 1795 में इसको क्राउन किया गया क्वाड्रिका से। तो क्वाड्रिका है जो सामने आप ब्रांडनबर्ग के ऊपर देख रहे होंगे, एक चैरियट जिसमें एक गॉडेस है और 4 आपको इसमें हॉर्सेस नजर आएंगे। तो ये रिप्रेजेंट करता है गॉडेस ऑफ विक्ट्री। वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होने से पहले ये स्ट्रक्चर एकदम वैसा ही था जैसा इसको बनाया गया था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये जो स्ट्रक्चर है इसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा और जो क्वाड्रिका आप ऊपर देख रहे हो वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। तो 1956 में ईस्ट और वेस्ट ने मिलकर जो है इसको फिर से रीबिल्ड कराया इस लैंडमार्क को। लेकिन 1961 में जो सोवियत यूनियन है उन्होंने जो है बर्लिन वॉल बनाई, जिस वजह से जो ये सिटी है वो 2 पार्ट्स में बट गई, ईस्ट एंड वेस्ट में, और ये जो गेट था वो ईस्ट और वेस्ट के बीच में रह गया। तो इसका जो वजूद था ना वो एक तरह से उस टाइम पे ख़त्म हो गया। लेकिन बाद में जब सिटी जो है वो फिर से रीयूनिफाई हुई तो इसको जो इसकी कोई भी इम्पोर्टेंस थी वो वापस मिली। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमने गूगल से जुटाई थी, थोड़ी बहुत जानकारी, जितना इसके बारे में हमें पता चला उतना हमने आपके साथ शेयर किया। अगर आप इसके बारे में कुछ और भी जानना चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और कैसा लग रहा है आपको यहाँ का ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट ज़रूर हमें बताइएगा। तो चलिए अब हम भी यहाँ के इस एरिया को करते हैं एक्सप्लोर और आपको भी दिखाएंगे। Oh, I'm going to leave. I'm going to leave.
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय।